बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ केवाईसी कराने के लिए आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए आप कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपका खुल जाता है तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जाता है और तुरंत ही फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको तुरंत ही मिल जाता है बीओबी एप्लीकेशन में। साथ ही साथ फिजिकल डेबिट कार्ड भी आपके बाय पोस्ट के जरिए घर पे पहुंच जाता है और चेकबुक भी आपको दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस खाता खुलाने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में आने के बाद बीओबी वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने में बीओबी वर्ल्ड का इस तरह से इंटरफेस खुले, इसके बाद अलाउ कर देंगे, कुछ परमिशन यहां से आपको मांगा जाएगा, वो परमिशन दे देंगे। इसके बाद यहां पे भाषा सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या हिंदी, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। चलिए हम यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोकेशन का परमिशन दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन तरह के बैंक अकाउंट खुलेगा। तो अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं V3+ अकाउंट, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर बेनिफिट पे। तो ये है जीरो बैलेंस अकाउंट। चलिए हम यहाँ पे V3+ अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, जो कि उसके नीचे बटन है एक्सप्लोर बेनिफिट। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आधार नंबर होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपका 18 साल से प्लस एज होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कोई भी हिडन चार्ज आपका नहीं लगेगा और आपके खाते में जीरो बैलेंस भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप ये अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी दिया जाएगा, इसके बाद एक वर्चुअल डेबिट कार्ड प्लस डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा आपके बाय पोस्ट के जरिए 15 दिन के अंदर में घर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद UPI का भी सुविधा आपको दिया जाएगा। इसके बाद NEFT, IMPS, RTGS का भी आप यहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलने के लिए अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, जो कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम ईमेल यहां पे इंटर कर देते हैं। तो ईमेल इंटर करने के बाद जो भी आप ईमेल आईडी दिए हैं वो आप अपना मेल ओपन करेंगे। यहां पे BOB का आ चुका है मेल, तो ये जो लिंक आप देख सकते हैं इस पे लिंक पे क्लिक करके आपको मेल जो है वेरिफिकेशन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन मेरा हो चुका है। तो इस पेज को आपको क्या करना है, इस पेज को बैक करके आपको उसी पेज पे आना है। तो चलिए यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जो कि आपका जो कि ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो कि आपके आधार कार्ड में लिंक हो वही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद साइड में क्लिक करेंगे तो भी आप मोबाइल दिए हैं उस पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP इंटर कर देते हैं। और OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, ये जो जितने बॉक्स है सब पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो गोलाकार का ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट डिक्लेयरेंस पे आप क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे आप एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे CKYC पे क्लिक करके आप फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट वाले बटन पे फिर से आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर इंटर करना है, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इस दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम दोनों बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है। तो यहाँ पे ये OTP इंटर करना है, OTP आपको सही से इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। देख सकते हैं कि आपका
आधार कार्ड का जो भी डिटेल्स है, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर का नाम, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आ चुका है। तो इस डिटेल को आप सही से रीड भी कर सकते हैं या इस पेज को ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होगे उसका नाम आ जाएगा, उस पे क्लिक करके उसी ब्रांच को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रांच का सारा डिटेल भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको बोला जाएगा कि आप पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, फादर का मिडिल नाम, फादर का लास्ट नाम, तो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद मदर्स का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नाम इंटर करेंगे, मिडिल नाम इंटर करेंगे और लास्ट नाम इंटर करेंगे। उसके बाद आप रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके ऊपर कितने फैमिली डिपेंडेंट है वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी, आप विकलांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आपका जन्म हुआ वो प्लेस का आप नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अपने हिसाब से यहाँ पे आप उसे चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई स्टेटस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। बाद एनुअल ग्रॉस इनकम, तो आप यहाँ पे 1,00,000 लगभग यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन दे सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे आपको इंटर करना है ताकि नॉमिनी के लिए आपको सुविधा हो सके। तो चलिए हम यहाँ पे नॉमिनी में अपना रिलेशनशिप इंटर कर देते हैं, जिसका भी आप नॉमिनी में दे रहे हैं वो रिलेशनशिप में आपके कौन लगते हैं, फादर भी मदर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका नॉमिनी का फर्स्ट नाम यहाँ पे इंटर कर देना है और मिडिल नाम और यहाँ पे लास्ट नाम इंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आप नॉमिनी में नाम रखना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, नॉमिनी का एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अगर आप UPI यूज करना चाहते हैं यहां पे आप क्लिक करेंगे, और यहां पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में रिव्यू पेज आएगा, तो यहां से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, क्या आप इंटर किए हैं, क्या पर्सनल डिटेल आप इंटर किए हैं, क्या आपका आधार कार्ड है, क्या आपका पैन कार्ड है, सारा डिटेल यहाँ पे ईमेल आईडी सहित आपको फोन नंबर सहित यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको गलती लगता है तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सब सर्विस मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको बोला जाएगा कंप्लीट योर वीडियो KYC, तो आपको वीडियो कॉल के जरिए अपना KYC कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपका URN नंबर भी जनरेट हो गया है, कहीं पे आप नोट करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको मैसेज में भी ये URN नंबर आ जाएगा। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक लिंक आएगा वीडियो KYC करने के लिए, उस पर क्लिक करके आप वीडियो KYC भी कर सकते हैं। जी अभी है सर। वीडियो KYC के दौरान जो भी आप पर्सनल डिटेल भरे हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर, वही आपसे पूछा जाएगा और आपका नाम भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो KYC समाप्त हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आपके ईमेल पे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा कुछ आपका भेज दिया जाएगा, मेल आईडी प्लस आपके मैसेज में भी आ जाएगा। तो इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।